अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कंस्ट्रक्शन एडवाइस के पेज से राणा मुर्तज़ा आप लोगों के साथ हाजिर है। आज हमारा ये लेआउट है सेक्टर एन में और 15 नंबर गली में हम लोगों ने ये नया काम शुरू किया 5 मरले का। उसका लेआउट प्लान नीचे ड्रा कर दिया गया है और आज हमारी सुबह से तकरीबन 1.5-2 घंटे की वर्किंग है। ये इसमें कॉलम वगैरह, टेंकियाँ, फ्रंट टेंकी, पोर्च के कॉलम, एवरीथिंग हमने यहाँ पे ड्रा कर दी है। और ये इस प्लॉट के कॉलम जितने आएंगे उनकी डिटेल सारी इसके ऊपर मेंशन कर दी है। और क्योंकि इसी के साथ ये हमारा यहाँ पे बुनियाद इसकी शुरू हो जाएगी, स्टेप फुटिंग है उसके साथ हमारा ये नेक्स्ट इसके ऊपर जो फुट का एक बेड है वो डाल के उसके बाद चुनाई है। चुनाई साइडों पर RCC पड़ दी है और बस इंशाल्लाह इसकी जैसे जैसे हमारे पास इस मकान के हवाले से अपडेट आएगी तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसमें आज जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है वो हमाद ने दी है। हमाद एक इंजीनियर हमारी साइड पे नया लड़का हायर किया गया है और इसने इंशाल्लाह सपोर्ट किया काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी मज़ीद इस घर के हवाले से जैसे जैसे कोई नई अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये 15 डेज़ का हमारा वर्किंग है, इसमें हमने इसको ढांचे को कंप्लीट करना है। कोशिश हमारी होगी कि इससे पहले पहले इसको कंप्लीट किया जाए। तो साथ साथ जो भी इस घर के हवाले से हमारे पास 5 मरले के हवाले से कोई गाइडलाइन आती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ज़रूरी ये है कि मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, 5 मरला घर बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बैरी है निकलेव के हवाले से ये आप लोगों तक वो पहुँचती हैं। इसके अलावा अगर बैरियर इनक्लेव से बाहर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर ये वाले कानून लागू नहीं होते। यहाँ पे मोस्टली एरिया फिलिंग वाला है क्योंकि पहले ही मैंने अपनी वीडियो में लोगों को ज़्यादातर गाइड किया है और तफसील के साथ उनको बताया है जो जो चीज़ें इसके अंदर लग रही हैं। बैरियर इनक्लेव के अंदर स्टील ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं फिलिंग वाले एरिए की वजह से। अगर आप लोग बैरियर इनक्लेव से बाहर कोई सेक्टर इस्लामाबाद के कोई घर शुरू करते हैं वहाँ पर ये वाला कानून लागू नहीं है। तो लोग मोस्टली मेरे से सवाल पूछते हैं और ये चीज़ें पूछते हैं भी यहाँ बैरिया में आप बहुत ज़्यादा स्टील इस्तेमाल करवा रहे हैं जबकि G14, G13, D12 इस साइड पे जो घर बन रहे हैं उनमें ये स्टील इतना इस्तेमाल नहीं होता। 5 मरले में वहाँ पे अगर ज़्यादा स्टील भी इस्तेमाल किया जाए 4.5-4 टन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर 5 मरले में कम से कम जो है वो 8 टन और उसके ऊपर फिर 12-13 जहाँ तक चला जाए। तो ये इंशाल्लाह मज़ीद इस घर के वाले से जो भी अपडेट आती रहेगी आप लोगों को गाइड करूँगा। और ये लेआउट की डिटेल जो आप लोगों को कैमरे के अंदर नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारी टेंकी है, वाटर टैंक आएगा, ड्राइंग रूम है, उसके बाद ये वाली है भी जहाँ पे ईंटें आपको पड़ी नज़र आ रही हैं ये भी सेप्टिक टैंक है। पीछे फ्रंट बैक 5-5 फुट है। पोर्च इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम और इसके दरमियान जो एरिया ये वाला है ये पोर्च है। पीछे एक बेड है, किचन और उसके साथ बाथ और ड्रेसिंग हॉल बड़ा, इसके अंदर स्टेयर होगी और प्रॉपर इसी तरह ये। मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस घर के वाले से जो भी डिटेल आएगी शेयर करते जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।